अरे अंगराज कर्ण, तुम? प्रणाम गंगापुत्र। आयुष्मान भव। विराजो विराजो विराजो। कहो अंगराज। आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा गंगापुत्र कि मैं आपके कक्ष में क्या कर रहा हूं, परंतु आपसे कहीं अधिक आश्चर्य तो स्वयं मुझे हो रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है अंगराज। मैंने अपने जीवन में इतनी अनहोनी घटनाएं देख ली हैं कि मैंने आश्चर्य करना छोड़ दिया है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि भरत वंशज एक कुमार द्यूत में कपट भी कर सकता है। कौन सोच सकता था कि महाराज के सामने हस्तिनापुर के भरे दरबार में उसके कुलवधू का वस्त्र हरण भी होगा। परंतु यह सब कुछ हुआ है अंगराज कर्ण, यह सब कुछ हुआ है। इसलिए अपने आने पर आश्चर्य मत करो। कहो तुम्हें मेरी याद कैसे आई? मैं इस समय पितामह भीष्म के पास नहीं आया हूं, मैं आया हूं परशुराम शिष्य भीष्म के पास। मैं आपका गुरु भाई हूं गंगापुत्र। निसंदेह हो, किंतु तुम्हारी समस्या क्या है? मेरी पहली समस्या यह है गंगापुत्र कि मैं अपने आप को सूतपुत्र नहीं मानता। तुम केवल सूतपुत्र नहीं हो, तुम कर्म से क्षत्रिय भी हो। तुम सूतपुत्र भी हो, क्षत्रिय भी। किसी का पुत्र होना या न होने पर तुम्हारा कोई वश नहीं, इसलिए क्षत्रिय धर्म की डोरी को कसकर पकड़े रहो पुत्र। कैसे पकड़े रहूं गंगा पुत्र, कैसे पकड़े रहूं? मैं गुरु श्रेष्ठ परशुराम का शिष्य हूं, धनुर्विद्या में निपुण हूं और आप ही की भांति एक महान योद्धा भी हूं। आप ये ना समझिए कि यह मेरा अहंकार बोल रहा है। मैंने अपनी विजय यात्रा में भारतवर्ष के समस्त राजाओं और वीरों को पराजित किया है, परंतु जब जब अर्जुन से मेरा सामना हुआ है तब तब मेरे भाग्य में पराजय आई है। ऐसा क्यों है गंगा पुत्र, मुझे उत्तर दीजिए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे पुत्र। तुम्हें धर्म का साथ देना चाहिए जबकि तुम अधर्म के शिविर में बैठे हुए हो। दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है कर्ण, अधर्म का प्रतीक। उसकी विषैली छाया से निकलकर भाग जाओ, अन्यथा जीवन भर पराजय का मुंह देखते रह जाओगे। क्या तुमने यह नहीं देखा कि भरद्वाज पुत्र द्रोण और यह गंगा पुत्र भीष्म भी उस विराट युद्ध में अकेले अर्जुन से हार गए थे? क्यों? क्योंकि हम सब अधर्म का साथ दे रहे थे, अधर्म का। तो क्या आप दुर्योधन को छोड़ सकते हैं? यही तो मेरी व्यवस्था है कि मैं सब कुछ जानते हुए भी दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया गंगा पुत्र। आप ही की भांति मैं भी दुर्योधन को नहीं त्याग सकता, वो मुझे हर विजय से अधिक प्रिय है। प्रणाम।